ईशान से बात होती है या घर आते हैं तो बताते हैं उनको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या बोलते हैं? वो नहीं बता सकते तो बस सीधे अनमने ढंग से सुन के हाँ हाँ ठीक है ठीक है। के बीच है तो बहुत एक्साइटमेंट वाला मैच है और चाहेंगे कि मुंबई इंडियंस बहुत अच्छा करे और जीते। आज आपको लग रहा है कि मुंबई इंडियंस? हम तो यही चाहेंगे। हम उसको हमेशा कहते रहते हैं कि हर मैच नया है और हर मैच में आपको जीरो से ही स्टार्ट करना है। आपने पिछले मैच में क्या किया, 100 किया या जीरो किया, अगले मैच में उसका कोई इफेक्ट नहीं है। आपको जीरो से ही स्टार्ट करना है। हर दिन आपका एग्जाम है और आपको उसमें सरवाइव करना है, अच्छा करना है। That's it. IVTV देखता है इंडिया। इंडिया में महाकुंभ की शुरुआत आज से हो चुकी है। जी हाँ, क्रिकेट के महाकुंभ की शुरुआत आज से हो चुकी है, यानी IPL की शुरुआत हो चुकी है। शाम 7 बजे से अब तमाम घरों में सिर्फ और सिर्फ लोग IPL ही देखा करेंगे। जिन लोगों को क्रिकेट पसंद है वो अब TV छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ, और इसी महाकुंभ में हमारे अपने यानी बिहार के लाल आज ईशान जो हैं वो मैच खेल रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि मुंबई इंडियन के तरफ से खेल रहे हैं वो, और आज का मैच जो है वो मुंबई इंडियंस वर्सेस बैंगलोर के बीच है। यानी कि आपको हम बता दें कि आज विराट कोहली और ठीक एक तरफ जो है वो मुंबई इंडियंस की टीम रहेगी। तो इस वक्त हमारे साथ फिर से बातचीत करने के लिए बिहार के लाल के माता पिता यानी कि ईशान के माता पिता हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो चलिए उनसे हम आपको मिलवा देते हैं। आप लोग सब जानते ही हैं हमारे साथ सर हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए फिर से एक बार। धन्यवाद सर। और देखिए मेरे ठीक बाईं तरफ जो हैं ईशान की मम्मी हैं। मैम आपका भी बहुत शुक्रिया। मैम आप ही से शुरुआत कर लेते हैं कि मैम तैयार हो गई हैं कि अभी और टाइम है? मेंटली तैयार हो चुके हैं। ये बताइए कि आज ईशान जो है मैच खेलने वाले हैं, हालांकि IPL की शुरुआत ईशान ने की और बहुत अच्छा प्रदर्शन होता है ईशान का, तो आज पहला मैच है। खास करके हम लोगों को, हम बिहारियों का तो सबसे ज़्यादा और सबसे भरोसा जो है अभी ईशान पर है कि खेलेंगे बढ़िया। आप एक मदर होने के नाते, उनकी माँ होने के नाते क्या आप सोच रही हैं, आज का मैच कैसा है? बहुत अच्छा रहेगा। ईशान मुंबई इंडियंस और बेंगलुरु के बीच है तो बहुत एक्साइटमेंट वाला मैच है और चाहेंगे कि मुंबई इंडियंस बहुत अच्छा करे और जीते। जीतने का आज आपको लग रहा है कि मुंबई इंडियंस जीतेंगे? हम तो यही चाहेंगे। अच्छा, आज बात हुई है क्या मैम मैच से पहले? नहीं, आज अभी नहीं बात हुई है। नहीं। और भी सवाल है जो आपसे पूछेंगे। अब हमारे साथ ईशान के फादर हैं, उनसे भी पूछते हैं। सर, आज मैच शुरू होने वाला है, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या लग रहा है, क्या मन में चल रहा है, ये बताइए। नहीं, बस मन में ये है कि दोनों टीमें काफ़ी दमदार हैं और एक अच्छा मैच होगा, काफ़ी फाइटिंग मैच होने की उम्मीद है। दोनों ही टीमों में बढ़िया बढ़िया खिलाड़ी हैं और काफ़ी बढ़िया मैच होगा। सर, आप शुरू से ही, जैसा कि पुराने इंटरव्यू में आपसे जब बात हो रही थी तो आपने कहा था कि एक मार्गदर्शक के तौर पर आप हमेशा ईशान को जो है वो नोटिस देते रहते हैं, सिखाते रहते हैं। तो IPL जब शुरुआत हो रही थी, जब सिलेक्शन हुआ था, उस वक्त बातचीत के दौरान क्या कुछ आपने कहा, क्या बातें हुई ईशान से आपकी? नहीं, हम उसको हमेशा कहते रहते हैं कि हर मैच नया है और हर मैच में आपको जीरो से ही स्टार्ट करना है। आपने पिछले मैच में क्या किया, 100 किया या जीरो किया, अगले मैच में उसका कोई इफेक्ट नहीं है। आपको जीरो से ही स्टार्ट करना है। हर दिन आपका एग्ज़ाम है और आपको उसमें सरवाइव करना है, अच्छा करना है। अभी और IPL तो अभी लंबा चलेगा सर, लंबे समय के लिए है, लेकिन पिछले मैच की हम बात कर लेते हैं। पिछले मैच में ईशान ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन दूसरे मैच में फिर उनका प्रदर्शन जो है वो ख़राब हो गया था, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बैट्समैन के का तो ऊपर नीचे होता ही रहता है, ये तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। कभी जीरो भी बनता है, 100 भी बनता है और वहीं पे खेलना है।
तो इसलिए ये कोई मैटर नहीं करता है। आज का टारगेट क्या लगता है ईशान, कितना रन आज टारगेट अगर पूछे तो? नहीं, हम लोग तो चाहें कि पूरी टीम ही बनाए बेटर, अब जिसको जहां मौका मिले और जो रोल दिया जाए उस रोल को फुलफिल करे, दोनों टीमों की ओर से, सिर्फ मुंबई इंडियंस की ओर से नहीं, दोनों टीमों का, तभी मैच देखने में मज़ा आएगा। बढ़िया मैच होगा तो अच्छा लगेगा, रन्स ज़्यादा बनेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, विकेट्स भी लगातार गिरेंगे वो भी मज़ा आएगा, हम लोगों को तो मज़ा आएगा विकेट गिरे, बट एक अच्छा मैच देखने को मिले। मैम, पिछली बार आपने कहा था कि विराट कोहली जो है ईशान को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन आज तो विराट कोहली के अगेंस्ट ही खेलेंगे ईशान। तो और अच्छी बात है कि विराट कोहली के अगेंस्ट खेलेगा, ये तो और अच्छी बात है, और चाहेंगे कि ईशान खूब सारा रन बनाए। पूरा एकदम मतलब टीवी पे पूरा प्रोग्राम बनानी है कि कैसे कैसे क्या देखना है मैम। हाँ, वो प्रोग्राम पहले से सेट रहता है किसको कहाँ बैठना है, क्या करना है, सब हम लोग तैयार रहते हैं, चीज है जी। सर, एक और सवाल आपसे भी है कि इस बार जो है मुंबई इंडियंस में सचिन तेंदुलकर के बेटे को भी चांस दिया गया है, हालांकि वो इस मैच में नहीं खेलेंगे, तो उनको लेकर के क्या लगता है, क्या कहेंगे आप? एक क्रिकेटर के फादर हैं, सचिन भी एक क्रिकेटर रहे हैं, उनके फादर हैं, तो क्या लगता है इस बार उनको मौका नहीं मिला है, कैसा लगता है, क्या क्या प्रदर्शन करेंगे उनके? फिर हम वही बात करेंगे कि ये कोई मैटर नहीं करता है कि मौका मिला, इम्पॉर्टेंट है कि आप टीम में हैं। ईशान भी खेल रहा था, बहुत बार मौका नहीं मिला, गुजरात लायंस में भी था तो बहुत बार मौका नहीं मिला, तो ये तो प्लेयर के लाइफ में आता ही है, कोई खेलेंगे तो 11 प्लेयर टीम तो 25 प्लेयर्स की, 20 प्लेयर्स की अभी तो इसमें हो गई है, IPL में तो 20-25 प्लेयर्स की टीम होती है, तो सारे तो खेलेंगे नहीं, तो वो मैनेजमेंट और स्ट्रेटजी जो बनाते हैं टीम के, थिंक टैंक हैं, वो उनका काम है कि वो लोग किसको चांस देते हैं, कि जो वो बेस्ट होता है सारी टीमों के की मैनेजमेंट, जो उनके पास स्लॉट अवेलेबल है उसमें जो बेस्ट आदमी है उसको लोग मौका देते हैं, और जब जिसकी ज़रूरत महसूस की जाएगी वो दिया जाएगा। तो हम इस चीज़ को कभी नहीं मानते हैं कि मौका नहीं मिला, आज मौका नहीं मिला, ईशान को लास्ट ईयर भी शुरू के 2 मैचों में मौका नहीं मिला था, तो कोई डजंट मैटर, ये होता है, इट्स ऑल इन द गेम। अच्छा सर, पुराने इंटरव्यू में एक दर्शक ने हमसे सवाल किया था कि अगली बार अगर मुलाकात हुई तो आप पूछना, एक फादर के नाते, एक कोच के नाते और एक दर्शक के नाते, आप जब ईशान को खेलते देखते हैं तो क्या लगता है कि ईशान को किन चीज़ों में और सुधार की ज़रूरत है? इस बारे में हम डिस्कस करते हैं और कई बार समझाते हैं कि देखो, सबसे बड़ी बात कि हर मैच नया है, आप पिछले मैच के उससे आपको निकलना है, अगर 0 भी कहें तो आपको फ्रस्ट्रेट ना हो कि नेक्स्ट मैच भी ख़राब ना हो जाए, अगर आपने 100 भी किया है तो इतने ज़्यादा भी खुश ना हो जाए कि नेक्स्ट मैच गड़बड़ हो जाए, तो पहला तो ये है। दूसरा कि वो शॉट्स खेलना पसंद करता है, सिक्सेस उसे बहुत पसंद है, अच्छा लगता है उसको छक्का मारना, बट हमेशा छक्का नहीं मारा जा सकता है, तो हम ये भी समझाते हैं कि पिच पर रहोगे तो ही रन बनेगा, तुम्हारा भी और टीम का भी। एक छक्का मारने के या एक रनआउट तो जस्ट एक सुसाइड है, तो बस उस पर ध्यान देना है कि रनआउट नहीं होना, और छक्का मारने में ठीक है, बाउंड्री पे कैच हो गए अच्छी बात है, कभी बॉल अच्छी आ गई आउट हो गए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो क्रिकेट में होता ही है, बट अपने आप को कंसंट्रेट करके उसको उसके ऊपर पार पाना है कि किस शॉट पर हम आउट हुए, तो उस शॉट को हम, कई बार जो आपकी ताकत होती है वही आपकी कमजोरी बन जाती है, तो ठीक है इस बार मेरी कमजोरी बन गई, लेकिन उस शॉट्स पर फिर हम और काम करेंगे क्योंकि वो मेरा मजबूत स्ट्रांग साइड है, तो उस पर हम और काम करके उसको और स्ट्रांग करेंगे, एक बार मिस हो गया चलो कोई बात नहीं, बस यही सब चीज़ें जो हल्की फुल्की चीज़ें समझाते हैं। जब ईशान से बात होती है घर आते हैं तो बताते हैं उनको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या बोलते हैं ईशान? वो नहीं बता सकते तो बस सीधे अनमने ढंग से सुन के हाँ हाँ ठीक है एक फादर और एक बेटे की जो बातचीत होती है, सर ने उसको कहा, मैम भी है हमारे साथ, उनसे भी पूछते हैं। मैम ये बताइए कि IPL अभी चल रहा है, पहले ये बोलना चाहेंगे कि ये बोले कि अनमने ढंग से बोलता है कि अच्छा अच्छा ठीक है, उस समय अनमने ढंग से बोल देगा, लेकिन फिर जब वो अकेले होता है फिर इस उस चीज़ को पूरा मंथन करेगा कि क्या पापा सही बोल रहा था, और फिर जब
थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा तो फिर पूछेगा कि हाँ यार ये तो तुम सही बोल रहे थे कि इस पर हमको थोड़ा काम करना चाहिए, ये मेरा वीक पॉइंट है, तो फिर बाद में उसको रियलाइज करता है। पापा ने ये जो कहा है वो सही कहा है। हाँ बिल्कुल समझता है। अच्छा मैम एक सवाल है कि मुंबई इंडियंस की तरफ से अभी ईशान जो है खेल रहे हैं, लेकिन अगर ईशान को छोड़ दिया जाए, चूंकि आपके बेटे, हालांकि सब तो बेटे ही हैं, आप इतना प्यार करती हैं सबसे मुझे पता है, लेकिन मुंबई इंडियंस में सबसे फेवरेट प्लेयर आपका कौन है? सारे प्लेयर मेरे फेवरेट हैं, ऐसे विराट को इनसे, हार्दिक पांड्या से उनकी थोड़ी गहरी मित्रता है, मतलब छोटा ही भाई मानते हैं वो लोग दोनों, हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या, लेकिन ऐसे उनकी बचपन से ही जितने भी टीम के लड़के होते थे ईशान से सबकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती थी, मतलब पर्सनली ये नहीं आप किसी से कह सकते हैं कि कोई एक उसका चहेता है, उसकी बॉन्डिंग बचपन से ही, तभी उसको कैप्टन भी बनाया जाता था, वो इतने अच्छे से अपने टीम के बच्चों के साथ झारखंड में भी खेल रहा है, तो सारे बड़े हों या छोटे हों सबके साथ उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, सब प्लेयर। हार्दिक पांड्या अच्छे हमको जी नहीं, हमको अच्छे सारे प्लेयर लगते हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या जो दोनों भाई हैं तो इनसे ईशान का बहुत पहले ही से थोड़ी सी और ज़्यादा बॉन्डिंग बनती है, मतलब दोस्ती, छोटा भाई वो लोग मानते हैं, ऐसे किसी एक के लिए हम नहीं कह सकते हैं कि ये प्लेयर हमको अच्छे लगते, प्लेयर हैं एक टीम है तो उसमें हमको सारे प्लेयर अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। जाएंगी आप मैच देखने? नहीं अभी तो कोरोना का है तो जाना ही नहीं, अलाउड ही नहीं है, मिलना भी नहीं अलाउड है, पहले क्वारंटीन होइए 7 डेज, उसके बाद कुछ हो सकता है, तो नहीं मिलना ही नहीं है। एक और बड़ी बात है कि बहुत बड़े लोगों ने, बहुत बड़े क्रिकेटर ने ईशान की तारीफ़ की है, जिसमें वीरेंद्र सहवाग हैं, सचिन तेंदुलकर खुद हैं, उसके बाद कई ऐसे पुराने क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने ईशान को उभरता हुआ सितारा कहा है, विस्फोटक बल्लेबाज कहा है, कंपेयर किया है, तो ऐसे में आप क्या सोचते हैं, कितना अच्छा लगता है? नहीं अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि जो अच्छा बोल रहे हैं तो उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के उसको भी पूरा करना है, मतलब वो आज तो अच्छा बोल रहे हैं बट उनकी उम्मीदों पर आपको खरा उतरना है, इसलिए और मेहनत करनी है आपको, मतलब आज उन्होंने अच्छा कहा तो ये नहीं कि हम अच्छे हो गए, हमसे बात होती है तो हम यही कहें कि आज अच्छा करें, तो उनको उम्मीद है तुमसे और उस उम्मीद पर तुमको 100% फुलफिल करना है। ठीक है आज 2 इनिंग अच्छा हुआ, उन्होंने कहा, प्रशंसा की, लेकिन अब ऐसा करना है कि जो उन्होंने उम्मीद तुमसे लगाई है वो पूरी हो, जो उन्होंने बात तुम्हारे लिए कही है वो सच हो, तो ये एक थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है। पुराने इंटरव्यू में लगभग 50,000 से ज़्यादा लोगों ने देखा है और कम से 25,000 कमेंट हमारे पास सिर्फ यही आए हैं कि मम्मी से पूछिएगा कि ईशान की शादी कब होगी। ईशान की शादी जब ऊपर वाले की इच्छा होगी तो हो जाएगी। के बाद? नहीं नहीं इतना जल्दी, अभी बहुत छोटा है। पिछले बार भी आपने यही कहा था। बहुत छोटा है, जब ऊपर वाले की इच्छा होगी तो शादी हो जाएगी, अभी तो पहले उसको खेलना ही अच्छा है ना, पहले जो मेरे उसके चहेते हैं उन लोग से ये बोलिए कि आप लोग भगवान से प्रार्थना कीजिए कि ईशान इंडिया के हर फॉर्मेट को खेले, ईशान का परफॉर्मेंस ऐसा हो कि ईशान इंडिया के हर फॉर्मेट को खेले, यही मेरी भगवान से दिल से यही मेरी कामना है, शादी तो हो ही जाएगी। देखिए बहुत बड़ी बात कही मैम ने कि बिल्कुल जो भी दर्शक हैं वो जो कमेंट हमें लिखते हैं उस कमेंट में लिखें, अभी परिवार के हिसाब से ईशान बहुत बहुत छोटे हैं और उनको बहुत आगे जाना है, बिल्कुल, और बिहार का नाम रोशन करना है। सर एक और सवाल है कि जो इस बार IPL हो रहा है, हालांकि पिछले बार भी बाहर हुआ था, तो दर्शक स्टेडियम में नहीं जुटते हैं तो कहीं ना कहीं प्लेयरों में हौसले की कमी हो जाती है क्या उसको लेकर? नहीं नहीं वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्रिकेटरों ने कहा है। नहीं हमको तो ऐसा नहीं लगता है कि उससे कोई बहुत, हाँ थोड़ा बहुत तो माइंडसेट में अंतर पड़ता ही है, लेकिन ठीक है वो तो सारे लोगों के लिए है, वो सिचुएशन जो क्रिएटेड है वो तो सारे टीम के लिए, सारे प्लेयर्स के लिए है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सबको उसी सिचुएशन में खेलना है। अब कोरोना तो ऐसा डिजास्टर है, ऐसी महामारी है कि इसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता, सरकार प्रिकॉशन लेने के लिए पूरी कोशिश कर ही रही है, पब्लिक को हर तरह से अवेयर किया गया है, सरकार ने ही किया है, अब ये हमारी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोरोना से लड़ना है, सरकार कब तक लड़ेगी और कितना लड़ेगी, तो सपोर्ट भी करना है हमको सरकार को कि उसके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो और अपने आप को ही बचाव करके चलना है, तो
तो इसलिए जो भी उसका डिसीजन है कि भाई विदाउट प्लेयर होगा, फॉर्चुनेटली इंडिया में एटलीस्ट हो तो रहा है, तो हम लोगों को सरकार के गाइडलाइंस के हिसाब से ही चलना चाहिए। और जो मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग है, और जो जितने प्रिकॉशनरी मेजर्स सरकार ने बताए हैं या डॉक्टर्स ने बताए हैं, उनको पूरी तरह से पालन करना चाहिए। इसमें कोई बड़प्पन नहीं है कि हम मास्क लगा के नहीं चल रहे हैं, इसमें कोई बड़प्पन की बात नहीं है। आपको मास्क लगा करके ही चलना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखना ही चाहिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया मैम, आपका भी बहुत धन्यवाद। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर इस वक्त हमारे साथ ईशान के मम्मी और पापा थे। आज से आईपीएल का शुरुआत हो रहा है और आईपीएल के मैच में अब धमाकेदार शुरुआती जो है वो हम बिल्कुल चाहेंगे कि हमारे अपने बिहार के लाल ईशान जो है वो धमाकेदार प्रदर्शन करें। हालांकि सबको उम्मीदें भी हैं और उम्मीद है कि वो बेहतर भी करेंगे। अपने सहयोगी सोनू के साथ मैं देवाशीष कुमार, IBTV पटना।